दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी। बाहरी राज्यों की लेबोरेटरी में कोरोना टेस्ट करवाने के बाद बिना रिपोर्ट लिए जिला ऊना में पहुंच रहे लोग सतर्क हो जाएं। ऐसे लोगों की अगर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन पर मामला दर्ज हो सकता है। इसके बारे में ऊना के स्वास्थ्य विभाग ने डीसी ऊना को एक पत्र लिखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएमओ ऊना रमन कुमार ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति या महिला ने राज्य या जिला के बाहर कोरोना का टेस्ट करवाया है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो संबंधित जिला या राज्य में ही क्वारंटीन हो जाएं और कहीं भी मूवमेंट ना करें, क्योंकि इससे कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। माइग्रेटरी इनके कुछ केसेस तो हमारे वो आ रहे हैं जो बाहर से दूसरे स्टेट से या दिल्ली साइड से टेस्ट करवाने के बाद आ रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को हाइड कर रहे हैं और जब टेस्ट की रिपोर्ट उनको घर में मिल जाती है या इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में होते हैं तब मिल जाती है, तब वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये एक समस्या है और चिंता का विषय है। ये हमने ऊपर भी शेयर किया है हायर अथॉरिटीज़ को और इस उनको फिर हम जो है हमें अगर पॉजिटिव आते तो खाट में शिफ्ट करना पड़ता है कोविड केयर सेंटर में। और कुछ एक लोग जो है इस चीज़ को जो होम क्वारंटाइन में वो भी हाइड करते हैं और इसकी वजह से थोड़ी सी ये माइग्रेटरी की समस्या आई है। कुछ एक लोग जो है टांडा से भी जो वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गए हैं वहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं, वो हैं पीजीआई से भी जो ट्रीटमेंट करने गए हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वो भी जो केसेस हैं जो यहाँ से रेफर्ड हैं। सर, जो लोग अपनी रिपोर्ट आने से पहले यहाँ पहुँच रहे हैं तो मानते हैं इनके ऊपर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए? जी, हमने डिस्सा से बात की है, डिस्सा से भी इनके अगेंस्ट जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं। और इनको हम यही हिदायत देंगे कि जो भी टेस्ट करवा रहे हैं वो टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट के बाद ही वहाँ एंटर करें। अगर वो पॉजिटिव है तो वहीं पे क्वारंटाइन हो जाएं, अगर नेगेटिव होने के बाद ही आएं। टेस्ट करवाने के बाद आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब आपको पता लगेगा तो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से वी कौंडल के साथ मुनेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोहनपुर बनेड़ा अपर में बी फार्मेसी के लिए दाखिला शुरू हो गया है। कॉलेज संस्थापिका चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल पास विद्यार्थी हेतु बी फार्मेसी में डिग्री हेतु 60 सीट्स का प्रावधान है, जबकि डीडीएम कॉलेज में इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में शुरू किया गया है जिसमें मैट्रिक पास विद्यार्थी हेतु 60 सीट्स का प्रबंध है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है।